गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी सुबह का जो काम है वो मुझे मिल चुका है और सुबह के बज रहे हैं 7। इस मशीन को लेके जाना है घर तक, तो आप देख सकते हैं काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो ये है धान वाली मशीन, इसका क्या काम है वो भी बताऊंगा। फिलहाल इसको घर पहुंचाना है, थोड़ा सा जोर लग रहा है बस खींचने में, देख सकते हैं इसके टायर भी छोटे हैं। काम के साथ साथ आज का जो वर्कआउट रहेगा वो लेग का वर्कआउट रहेगा, तो देखिए कुछ इस तरह से जोर लगता हाइट पे। सो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था मैं, बट फिर भी मैंने पुश किया और फाइनली मैं पहुंच गया अपनी उस जगह पे जहाँ पे इस मशीन को पहुँचाना था मैंने। सो अभी पहुंच चुके हैं हम घर, ये देखिए, और ये मशीन। तो काफ़ी मुश्किल रहा सफ़र। सो फाइनली जो मशीन है वो हमने घर में पहुंचा दी है और काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी है देख सकते हैं, और वर्कआउट भी काफ़ी अच्छा लगा मेरा मशीन के साथ। हेलो गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ चुके हैं और ये भांजा, ये तो रात हो चुका क्योंकि कोट अपने जैकेट नहीं खोल के आया और वो सामने मशीन रख दी है। सो अभी चलेगा थोड़ी देर में काम। सो अभी ब्रेकफास्ट के लिए मिर्चें तोड़ी जा रही हैं, छोले के साथ खाएंगे मिर्चें, हरी मिर्चें, ये अपनी लगी हुई हैं घर की। सो अभी लग चुका है ब्रेकफास्ट, आप देख सकते हैं छोले और घर का मक्खन और दही, साथ में रोटियां और हरी मिर्च, ये भी घर की मिर्चें हैं। सो जब घर का दूध हो तो देसी मक्खन और दही तो चलता ही है, और थोड़ी देर में पियेंगे हम लस्सी। हेलो गाइस, तो अभी काम हो चुका है शुरू, देखिए कुछ इस तरह से। सामने तो आज की बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है गाइस, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है, और यहाँ पे देख सकते धूप, मौसम सुहाना है, कोई बारिश नहीं है, तो देख सकते हैं आप किस तरह मौसम भी एकदम सुहाना है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखो मेरी मम्मा यहाँ पे चाय लेके आई हैं 3 कप। तो हेलो गाइस, आप देख सकते हैं मामू भी काम कर रहे हैं और ये नाना और ये पापा भी काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह सभी अपने अपने काम पे लगे हैं। कितना मज़ा आ रहा है गाइस यहाँ पे, मुझे भी बहुत ज़्यादा। पहले जब मैंने देखा तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा काम होगा, पर नहीं इतना, क्योंकि ये लगे हैं इतने सारे सारे, देख सकते हैं आप। अब आप देख सकते हैं ये निर्वाण बैठा है, कहीं बार अपनी मस्ती कर रहा है। सो अभी हो चुका है लंच टाइम, तो लंच टाइम तक हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम खत्म कर लिया। सो ये आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं, इसको भी हमने शाम तक निपेटना है। सो फिलहाल अभी दिखा देता हूँ कितने से अभी चावल निकले हैं हमारे, सॉरी धान, चावल तो अभी बाद में निकलेंगे। सो ये देखिए आप चाहिए सामने ढेरी देख रहे हैं। सो मशीन को देते हैं थोड़ी देर रेस्ट, और मौसम देखिए थोड़ा सा क्लाउडी हो चुका है आज फिर से, दोपहर को हल्की फुल्की गर्मी है, तो अभी चलते हैं लंच करने, उसके बाद मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में। लंच अभी लग चुका है, तो छोले माँ की दाल है और चावल, साथ में लस्सी का एक गिलास। सो लंच टाइम के बाद मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, फिलहाल आज के लिए इतना ही, सबको थैंक यू।